आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें यहां पर आई है, इन बहनों के चेहरे पे उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, नया कुछ करने का लक्ष्य देख रहा हूं और आत्मनिर्भर होकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने देख रहा हूं। और आज का दिन इन सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर भविष्य में हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपनों को पूरा कर पाएंगे। मेरी ये सभी बहनें जिनके मन में, विचार में, कार्य में और संस्कृति में संवेदना है और इन सबका मन एक ही है कि हम किस तरीके से अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार का पालन पोषण करें, अपने परिवार को खुशहाल करें, समृद्ध करें। और मैं माता बहनों को जानता हूं कि कई माता बहनें अपने परिवार के लिए समर्पित होकर एक ऐसी त्याग की मूर्ति होती है जिसका जीवन ही समर्पण और सेवा के लिए होता है। मैंने उन महिलाओं को आंखों से देखा है जो तपती धूप के अंदर अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अपने परिवार का भोजन, छोटी मोटी जरूरतों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए रोजाना कड़ी मेहनत मजदूरी कर भी और परिवार को पालने का काम करती। मैंने उन महिलाओं को भी देखा है जो गर्भवती है लेकिन अपने परिवार को पालने के लिए, उसके पोषण के लिए गर्भवती होने के बाद भी रोजाना कड़ी मेहनत मजदूरी करने का काम करती है। मैंने उन महिलाओं को भी देखा है जो गर्भवती के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद 15 दिन में ही अपने पेट को बांधकर बच्चे को किनारे पर छोटा झूला बनाकर और मजदूरी करकर पेट पालने का काम करती है। जब इस दर्द का अभाव को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कितनी कड़ी मेहनत करती हैं और केवल परिवार के लिए। कई बार तो ऐसा दिन आता है जब मजदूरी नहीं मिलती, खुद भूखी रह जाती है, फिर अपने बच्चों, पति को खाना खिलाती है। कई महिलाओं के सुबह का खाना होता है, शाम का नहीं होता। आखिर इन अभावों को कब तक देखेंगे?
इन अभावों को जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्या पूरा कम करने की? अगर रक्षाबंधन के पर्व पर हम ये संकल्प नहीं लेंगे कि हमारी बहनों को अभावों से छुटकारा मिले, इन कठिनाइयों से छुटकारा मिले और वह सम्मान की जिंदगी जी सके, एक अच्छा कार्य कर दो टाइम की रोटी का इंतजाम कर सके, क्योंकि मजदूरी मजबूरी में करनी पड़ती है। कई महिलाएं घर पर सुबह अपना खाना बनाती है, घर की सफाई करती है, फिर दूसरों के घरों पर काम करने जाती है, कोई सफाई करने जाती है, कोई खाना बनाने जाती है, कोई और काम करने जाती है, तरह तरह के छोटे मोटे काम करने जाती है, शाम को आकर फिर परिवार का खाना बनाती है। हम इस देश की संस्कृति के अंदर माता बहनों की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते हैं लेकिन सम्मान के लिए हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव आना चाहिए। हम किस तरीके से महिलाओं को एक अच्छा सम्मानजनक रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। हमारी महिलाओं हमारी बहनों का ताकत सामर्थ्य बहुत बड़ा है। अभी चंद्रयान 3 के अंदर भी जो वैज्ञानिक थी वो महिला डायरेक्टर थी, हमारे फाइटर प्लेन दुनिया में सबसे ज्यादा चलाने वाली हमारी महिलाएं हैं, देश की सीमाओं पर रक्षा करने का काम हमारी महिलाएं कर रही है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई क्षेत्र नहीं है जिन क्षेत्र के अंदर महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही है। लेकिन एक तरफ महिला का वर्ग भी है जो खेतों पर काम करती है, सड़कों पर काम करती है, बिल्डिंग में काम करती है, तपती धूप के अंदर ठिठुरती ठंड के अंदर काम कर दो टाइम की रोटी का इंतजाम करती है। हमें ऐसी महिलाओं को सम्मानजनक तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की कार्य योजना बनानी पड़ेगी और इसीलिए वह घर पर रहकर भी सम्मान से दो टाइम की रोटी का इंतजाम कर सके, इस कार्य संस्कृति में विचार करना होगा। और इसके लिए मैंने अन्या फाउंडेशन, जो मेरी बेटी अंजलि बिरला है, आकांक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनसे कहा कि एक नौजवानों का ग्रुप बनाओ और उन महिलाओं की पीड़ा और दर्द को समझो और एक लंबी कार्य योजना बनाकर हम उनको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानपूर्वक तरीके से वह जिंदगी जी सके, इसके लिए बड़ी योजना बनाने की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विश्वास जैन जी को, जो एक कंसर्न इंजीनियरिंग ग्रुप चलाते हैं जिसमें 15,000 से लोग ज्यादा काम करते हैं, जहां पर इनकी बेटी मैनेजिंग डायरेक्टर है वह काम संभालती है। हमारे जितेंद्र जैन व्यापार संघ वालों के छोटे भाई हैं, दर्द में रहे, अभाव में रहे, वंचित में रहे, छात्रावास में रहकर
अपनी शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जो अभाव में रहता है वह दूसरे के अभावों को समझता है। मैंने उनसे कहा कि क्यों न हम जो सामान्य महिला काम करती है उनको घर पर रहकर सिलाई मशीन दें और सिलाई मशीन के बाद एक नए रोजगार को देने का काम शुरू करें। अब सिलाई मशीन के बाद इनको हम कपड़ा दिलाएंगे, कपड़े के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसकी खरीदारी करेंगे, एक सिस्टम मैकेनिज्म जमाएंगे। अब किसी से कहेंगे कि आप कपड़ा बना के दो, ये कपड़े को सीकर और फिर बेचने का काम व्यक्ति करेगा, तो इनको 300 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए का काम घर बैठकर काम मिल जाएगा। क्योंकि मुझे एक देश की महिला स्पीकर मिली और उसने कहा कि हमारे यहां पर हर महिला को 200-300 रुपए का काम मिल जाता है। तो मैंने कैसे मिलता है कि गारमेंट्स का काम होता है, कपड़े वाला कपड़ा देता है, सीकर वो देती है और वापस गारमेंट वाले को देती है और गारमेंट वाला बेचने का काम करता है। क्योंकि एक सिलाई मशीन करने वाली महिलाएं तो बेच नहीं सकती सामान। मैंने श्री राम नगर की बॉम्बे योजना के अंदर एक महिला को जो मोटराइज साइकिल लेने आई थी, ऐसे मैंने जिज्ञासा पूछा क्या काम करती हो, उन्हें क्या कपड़े उधार में लेती हूं, काटती हूं और एक दुकान पर कपड़े देती हूं, मोटराइज साइकिल मुझे मिल गई, विकलांग थी तो घर पे बैठकर काम करके और उसको कपड़ा देती हूं और 300 350 400 रुपए मेरे बच जाते हैं। मेरे मन में वो बात बैठी हुई थी कि एक विकलांग महिला ने किस तरीके से अपने पैरों पे खड़े होकर काम करना शुरू किया। हमें इस तरीके के प्रशिक्षण के अंदर अब आने वाले समय के अंदर हमने प्रशिक्षण दिया कि गांव में रहने वाली हर बहने जो गांव में रहती है उसको मेडिकल की ट्रेनिंग देंगे और मेडिकल की प्रारंभिक ट्रेनिंग देने के बाद उसको इक्विपमेंट दिलाएंगे, एक संस्था से मानदेय दिलाएंगे और वह गांव के अंदर महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए प्रारंभिक मेडिकल की जांच करेगी और जो गंभीर बीमारी होगी उसको रेफर करने का काम करेगी ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो 1100 गांव के अंदर 1100 महिलाएं इस तरीके की काम करेगी जिनको हम प्रारंभिक रूप से प्रारंभ मेडिकल ट्रेनिंग दिलाएंगे और फिर इक्विपमेंट देंगे जिससे बीपी नाप लेगी, शुगर नाप लेगी, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और सामान्य गर्भवती महिला की जो आवश्यकता उसको करेंगे। और जो गर्भवती महिला है जिसकी चिंता हम कर रहे हैं कि वह दो टाइम की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाती तो शाम को भूखे सो जाती है, तो वो भूखी सोती है तो आने वाला बच्चा भी तंदुरुस्त नहीं रहता, इसके लिए हम 2 साल से सुपोषित मां अभियान चला रहे हैं और हर महिला को 1 महीने का किट देते हैं ताकि मां भी स्वस्थ रहे और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। वह जो महिला गांव के अंदर काम करेगी ट्रेनिंग, वह ऐसे परिवारों को छाटेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, फिर हम सुपोषित मां के अभियान के तहत उसको पोषण किट देंगे, उसकी वह मेडिकल जांच करेगी और मेडिकल जांच के बाद उसके बेहतर परिणाम आएंगे। ये नंद कंवर हाड़ा जी वार्ड पार्षद खड़ी है। जब 1 साल पोषण किट देने के बाद जिन महिलाओं के बच्चे हुए उन सबके हमने पूछा, आप दंग रह जाएंगे, उस 2000 महिलाओं में से किसी का बच्चा नहीं मरा और सबके बच्चे स्वस्थ हैं। जबकि शिशु मृत्यु दर अभी भी देश में जो पैरामीटर की है, हमने लक्ष्य बनाया है कि कोटा बूंदी
संसदीय क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिशु मृत्यु दर से कम लाकर एक मॉडल संसदीय क्षेत्र खड़ा करें। इसी तरीके से जो महिलाएं घर पे ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती है उनकी ट्रेनिंग हुई, जो कंप्यूटर सीखना चाहती है डेटा एंट्री सीख जाती है उनकी ट्रेनिंग हुई। आने वाले समय में पहियों पर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर रहेगा जो हर गांव में जाएगा और वहां पर उनको ट्रेनिंग देगा ताकि वो कंप्यूटर सीख जाए, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। और आप दंग रह जाएंगे कि आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी की बहनें सारा काम अभी कंप्यूटर पर करती है, मोबाइल डिजिटल पर काम करती है, जिन्होंने कभी मोबाइल चलाना नहीं सीखा था उसको डिजिटल के आधार पर काम करें। और आने वाले समय में कोटा में बड़ी कंपनी का कॉल सेंटर डालेंगे ताकि महिलाओं को वहां काम मिल सके, महिलाओं का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साथ काम। और इसीलिए होटल मैनेजमेंट के बड़े ग्रुप के साथ अभी टाटा के साथ, ताज के साथ एमओयू हुआ है। ताज होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हम 100 लड़कियों लड़कों के बेस को ट्रेनिंग देंगे, रिसेप्शन की, वेटर की, सहयोगी की, और जो ट्रेनिंग लेंगे उनको 100% प्लेसमेंट करेंगे ताकि प्रशिक्षण के साथ रोजगार। और आने वाले समय के अंदर देश के जितने भी बड़े इंडस्ट्री सेक्टर के लोग हैं उनको मैंने आग्रह किया है कि आप ट्रेनिंग कराएं और 100% प्लेसमेंट करें ताकि हर महिलाएं सम्मानजनक स्थिति के रोजगार के आधार पर खड़े हो सके। जब महिलाओं ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्ण लैंडिंग कर दी, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे जमीन हो, चाहे सीमा हो, जो जीवन में परिवर्तन किया है इस देश में जननी के रूप में माता बहनों ने किया है, चाहे आजादी की लड़ाई की शुरुआत करने की बात हो, चाहे आजादी की लड़ाई का सवाल हो, चाहे सामाजिक शैक्षणिक आंदोलन हो, तो कौन भूल सकता है जब महाराष्ट्र के पुणे के अंदर महिला शिक्षा के लिए रोका जाता था, उस समय ज्योतिबा फूले उनकी पत्नी ने महिला शिक्षा का काम करने का काम किया, बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी ने लड़ाई करी। तो यह संघर्ष बहुत पुराना है, हम आजादी के 75 वर्ष बाद गुजर रहे हैं। आज देश के अंदर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं नेतृत्व कर रही है, नेतृत्व की उनमें क्षमता है, ग्राम सभा से लेकर दिल्ली की संसद तक महिलाएं नेतृत्व कर रही है, देश के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए काम कर रही है। और इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप जिस मोहल्ले में रहती हैं, जिस गली में रहती हैं, आपकी आंखें उस समाज की अंतिम महिला के अभाव की ओर जाना चाहिए, उसके अभाव को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी महिलाएं जो कठिनाई में, परेशानी में, जिंदगी की चुनौतियों से लड़ रही है, उन कठिनाई परेशानी चुनौतियों को दूर करने के लिए हम उसका सहयोगी बने। सबसे पहले समाज की अंतिम महिला के जीवन में परिवर्तन करें। जब समाज के अंतिम जीवन कठिनाई में संघर्ष करने वाली महिला को समानता के आधार पर खड़ा करेंगे तो समता मूलक समाज की स्थापना होगी। और ये संवेदना आप में, इसलिए आप पर जिम्मेदारी डाल के जा रहा हूं मैं। अभी ये पहला चरण है, ऐसी महिलाओं की अलग अलग मोहल्ले के अंदर मीटिंग करें आप,
कौन सी महिला कौन सा रुचि का काम कर सकती है, कोई पापड़ बना सकती है, कोई मुंगड़ी बना सकती है, छोटा मोटा काम कर सकती है, ऐसे छोटे मोटे आइटम बनाकर उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वह बड़ी कंपनियां बिना कमीशन के बेचने का काम कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में करेंगी। जब मेरी बेटी ने कहा कि फ्लिप्स वाले मुझे कौन से मिले थे, फ्लिप्स कार्ड वाले मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि हम 25-30% कमीशन लेते हैं, पर कोटा में हम 25-30% कमीशन नहीं लेंगे, जो आइटम बनेंगे उस आइटम को निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर बेचने का काम करेंगे। और मॉडल यही बनाना है कि हम छोटे छोटे घर पे काम करें, कितना दुनिया में क्या परिवर्तन, निश्चित पापड़ ने कहां परिवर्तन नहीं किया, अमूल डेयरी के अंदर आप चले जाए, अमूल डेयरी के गांव गांव के अंदर महिलाएं पशुपालन का काम करती है, 4-5 पशु रहती है और 15,000 से 20,000 रुपए कमाती है। यहां पर जितनी भी महिलाएं पशुपालक का काम करनी चाहती है गांव में, उनको हम लोन दिलाएंगे और पशुपालन का काम करके डेयरी पे दूध बेचने का काम करेंगे। जितनी भी महिलाएं हैं वह कोई भी काम करना चाहती है, उनको 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का लोन दिलाएंगे। कोई को लगता है कि 25,000 के अंदर ब्यूटी पार्लर खुल जाएगा, तो खोलकर अपने घर में कमरा खोला, थोड़ा सामान लगाया, रोज 25-30-50-100 रुपया कमाते कमाते एक दिन 300-400 रुपए कमाने लग जाएंगी। बहुत लोगों को आवश्यकता है, हमें मेन पावर की लोगों को आवश्यकता है, हमें मेन पावर को प्रशिक्षित करके काम पे लगाना है, दोनों को केवल चैनलाइज करना है काम। हम बड़ी कंपनियों से बात करेंगे आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता है, हमने डीमार्ट वालों से बात की है कि आपके यहां क्या क्या आइटम ऐसे हैं जो रोजाना दिनचर्याएं बिकते हैं, उन सबको ये समूह बनाकर आइटम बनाएंगे, माल बेचने का काम वो करेंगे और कच्चा माल देने का काम वो करेंगे, एक मॉडल खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए ये रक्षाबंधन का पर्व बहन भाई का रिश्ता है, और मेरी सभी बहनों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि सभी बहनें जो यहां पर आई हैं वह और महिलाओं से और बात करेगी, हम कोचिंग वालों से बात करेंगे, जो कोचिंग वाले ड्रेस बनाते हैं बड़े बड़े सप्लायर को देते हैं, उनको कहेंगे कि आप कपड़ा दो, कोचिंग की ड्रेस बना के ये देंगे और इनके 200-300 रुपए मॉडल में खड़े हो जाएंगे। हमने आने वाले समय के अंदर 2,000-3,000 महिलाओं को सिलाई मशीन के आधार पर प्रशिक्षण देकर काम शुरू किया, आने वाले सभी रेडीमेड गारमेंट वालों से कहेंगे कच्चा माल देने का काम करो, फिनिश बना के देंगे, मार्केटिंग देने का काम करें, एक चैनल खड़ा कर देंगे, नया मॉडल खड़ा कर देंगे। अरे सपने बड़े देखने चाहिए, सपने बड़े देखने के लिए लक्ष्य भी बड़े होने चाहिए, एक मॉडल जिला खड़ा करेंगे, मॉडल संसदीय क्षेत्र खड़ा करेंगे और ये शहर में आने वाले समय गांव के अंदर खड़ा करेंगे। जितने भी ऐसे आइटम है जो महिलाएं बना सकती है, उनके हाथ में हुनर है, आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना शुरू की है, उस विश्वकर्मा योजना के तहत 1,00,000 से लेकर 10,00,000 तक ऋण मिलेगा। हम विश्वकर्मा हैं, हमारे हाथ में कला है और हमारी कला हमारे मन मस्तिष्क के दिमाग की योजना, हमारा काम के प्रति समर्पण, निश्चित रूप से हम एक आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर पाएंगे। और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने का काम मेरी ये बहनें करेगी, यही मैं रक्षाबंधन पर आपसे
आग्रह करता हूं, मुझे आशा है कि हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ काम करेंगे। आने वाले समय के अंदर जितनी भी महिलाएं ट्रेनिंग करना चाहती हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, और उन सबकी जिस जिस विषय पे रुचि है उस पर ट्रेनिंग कराएंगे और ट्रेनिंग कराकर उनको रोजगार देने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से विश्वास जैन जी को, जिन्होंने आज ये सिलाई मशीन उपलब्ध कराई है, और आने वाले समय के अंदर हम ऐसी कई स्वयंसेवी संस्थाओं को यहां पर कोटा में लाएंगे। आप उसकी चिंता छोड़िए, आप तो ट्रेनिंग करिए, काम सीखिए, हम सब एक मॉडल खड़ा करेंगे और मॉडल खड़ा करकर देश को बताएंगे कि किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं और हर महिला को स्वावलंबन रोजगार करके एक सम्मान की जिंदगी जीने की दिशा दे सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।